विज्ञान ने काफी तरक्की की है और कई तकनीकों का इजाद किया है। इस बीच एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की चर्चा का विषय बनी हुई है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकेगा। अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी को क्रायोनिक्स कहते हैं। एरिजोना में बने एक लैब में इस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को जिंदा करने की उम्मीद में कई डेड बॉडी स्टोर करके रखी गई है। इनमें कई अमीर लोगों की लाशें शामिल है जिन्होंने अपनी मौत से पहले दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में अपनी डेड बॉडी लैब के हवाले कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी में डेड बॉडी को बेहद ठंडे तापमान में रखा जाता है। इसमें मरने के काफी सालों बाद तक बॉडी सुरक्षित रहती है। माना जा रहा है कि जब कभी भविष्य में जिंदा करने वाली टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इन लाशों को दोबारा से जिंदा कर दिया जाएगा। इसी उम्मीद में इन्हें स्टोर किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज से 100 साल पहले चांद पर जाना नामुमकिन लगता था, लेकिन ऐसा हो चुका है। ऐसे में ये उम्मीद करना गलत नहीं है कि कोई तकनीक मरे हुए को जिंदा कर देंगी। टेक्नोलॉजी के जरिए मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकेगा। अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी को क्रायोनिक्स कहते हैं। एरिजोना में बने एक लैब में इस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को जिंदा करने की उम्मीद में कई डेड बॉडी स्टोर करके रखी गई है। इनमें कई अमीर लोगों की लाशें शामिल है जिन्होंने अपनी मौत से पहले दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में अपनी डेड बॉडी लैब के हवाले कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी में डेड बॉडी को बेहद ठंडे तापमान में रखा जाता है। इसमें मरने के काफी सालों बाद तक बॉडी सुरक्षित रहती है। माना जा रहा है कि जब कभी भविष्य में जिंदा करने वाली टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इन लाशों को दोबारा से जिंदा कर दिया जाएगा। इसी उम्मीद में इन्हें स्टोर किया जा रहा है।